मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। आज थर्ड ईयर के इस क्लास में हमारे फर्स्ट पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट पार्ट में जैसे हमारा आंग्ल मैसूर संघर्ष चल रहा था, देखिए हिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है, संधियां, युद्ध ये सब ही हमें पढ़ने को मिलते हैं और इन्हीं युद्धों को पढ़ करके हम अपने पूर्व में क्या स्थितियां हमारे देश और विदेश में रही थी उनकी तमाम जानकारी हम इस विषय के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जो कुछ पूर्व में घटा इससे आप भली भांति परिचित हैं और इतिहास के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आप को याद होगा लास्ट क्लास में कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद युद्ध की कमान टीपू सुल्तान के द्वारा संभाली गई थी और उसमें परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेजों के साथ मंगलोर की संधि संपादित कर ली थी। अब थोड़ा सा परिचय टीपू सुल्तान का आपको बता दें। टीपू सुल्तान का जन्म 1749 एडी में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि एक सूफी ओलिया फकीर था टीपू मस्तान ओलिया, उसके आशीर्वाद से टीपू का जन्म हुआ था और इसीलिए उस फकीर को सम्मान देते हुए हैदर अली ने अपने पुत्र का नाम टीपू रखा था। टीपू का पूरा नाम था फतेह अली टीपू। अब देखिए मंगलोर की संधि हो चुकी थी अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच या टीपू के बीच शांति भी स्थापित हो चुकी थी, लेकिन पुणे फिर वही कारण उपस्थित हुए या परिस्थितियां ऐसी आई कि दोनों फिर युद्ध के मैदान में आमने सामने उपस्थित हो गए। अब इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगी टीपू भी अपने पिता के समान बहुत महत्वाकांक्षी शासक था और चूंकि उसे अंग्रेजों के विरुद्ध जो घृणा जो नफरत प्राप्त हुई थी वो विरासत में मिली थी, लेकिन हैदर अली और टीपू की नीतियों को यदि हम कंपेयर करें तो उसमें कुछ डिफरेंसेस हम पाएंगे। देखिए मराठे और मैसूर जो हैं वो भी आपसी शत्रुता में बने हुए थे, निजाम मैसूर या निजाम एंड मराठा ये सब जो है शक्तियां, क्योंकि उस समय का दौर जो था शक्ति और राज्य या सत्ता और राज्य वो अधिकांश थे कूटनीतिक चातुर्य और तलवार की शक्ति के बल पर ही प्राप्त किए जाते थे और ये दक्षिण की तीनों शक्तियां ही अपने अपने राज्य को स्थापित करने उसको विस्तारित करने के लिए हर संभव प्रयासों में लगी हुई थी। तो आप देखिए जहाँ एक बार मराठे और निजाम हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान पढ़ चुके हैं कि हैदर अली को उन्होंने सपोर्ट दिया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों द्वारा अपनी कूटनीति से उन दोनों को ये निजाम और मराठों को उस त्रिकुट से अलग करके हैदर अली को शिकस्त देने के प्रयास किए गए थे। अब यहाँ पर आप देखिए 1785-87 में मैसूर और मराठों के बीच संघर्ष हुआ था और इस संघर्ष में जो पेशवा है पेशवा के द्वारा अंग्रेजों से मैसूर के विरुद्ध सैनिक सहायता मांगी गई थी, क्योंकि टीपू सुल्तान के द्वारा मराठों के विरुद्ध जब कार्रवाई की गई तो ये सहायता की याचना की गई थी और अंग्रेजों ने फिर अपनी एक सेना पूना की ओर भेजी और पूना में उन्होंने अपना अधिकार स्थापित करके मेलेट को वहां अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया था और इस मेलेट के द्वारा ही आप देखिए मराठों को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता देने की बात भी की गई थी। अब हम बात करते हैं टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस प्रकार से अपने आप को संगठित और शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि टीपू और हैदर की नीतियों में काफी अंतर था। टीपू इस बात को भली भांति जानता था कि अंग्रेजों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने से पूर्व अपने आप को शक्तिशाली बनाना आवश्यक है और इसके लिए विभिन्न देशी और विदेशी सहायता प्राप्त करने के प्रयास टीपू के द्वारा किए गए। उसके द्वारा देखिएगा सर्वप्रथम
में फ्रांस में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया ताकि उसे विदेशी सहायता प्राप्त हो सके और इस सहायता के बल पर वह अंग्रेजों को परास्त कर सके। इस तरह से युद्ध से पूर्व ही टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध अपने आप को संगठित करने की तैयारी की जाने लगी। आप देखिए यहाँ पर 17 सितंबर 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो भारत आया, लेकिन जिस समय वह भारत आया तो जो मेरिट द्वारा मराठों को सैनिक सहायता देने की बात की गई थी उसको कॉर्नवालिस ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसका ये मानना था कि वह कंपनी को किसी भी प्रकार से किसी खतरे में डालना नहीं चाहता। यदि मेरिट या कंपनी मराठों को सैनिक सहायता देगी तो निश्चित रूप से मैसूर और निजाम से उन्हें उलझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इस समय 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था जिसकी धाराओं के तहत भारतीय शक्तियों के या इन राज्यों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात कही गई थी और कॉर्नवालिस द्वारा इस फिट्स इंडिया एक्ट का हवाला देके मराठों को कोई सहायता न देने की बात की गई। यदि प्रारंभ में हम देखें जब कॉर्नवालिस आया था तो वह पूरी तरह से इस हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो था उसकी नीतियों में परिवर्तन आने लगा और इन परिवर्तनों का कारण इतिहासकार जो दोनों के बीच संघर्ष हुए उसके अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। वो किस रूप में, आप देखिए कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि मंगलोर की जो संधि हुई थी, मंगलोर की संधि कंपनी के लिए काफी अपमानजनक थी और इसलिए कॉर्नवालिस उस अपमान का बदला लेना चाहता था। दूसरी बात, टीपू की तरफ से यदि हम देखें तो टीपू सुल्तान ने भी अपने मैसूर राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करना प्रारंभ कर दिया था, सैनिक तैयारियां करना प्रारंभ कर दिया था जो अंग्रेजों को निरंतर आशंकित कर रहा था। इस तरह से आप देखिए विभिन्न बातें जो थी इतिहासकारों के द्वारा उनकी जो स्टेटमेंट है इन कारणों को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं। कॉर्नवालिस टीपू के विरुद्ध युद्ध तो करना चाहता था लेकिन उसके लिए कोई उचित अवसर उसको प्राप्त नहीं हो रहा था। इसी दौरान आप देखिए निजाम के द्वारा जब गुंटूर पर मैसूर राज्य का आधिपत्य हुआ, आक्रमण किया गया टीपू के द्वारा, तो गुंटूर को उन्हें प्राप्त करने के लिए निजाम ने अंग्रेजों से सैनिक सहायता मांगी। कॉर्नवालिस एक बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ था। आप देखिए यहाँ पर उसने निजाम को जब सैनिक सहायता देने की बात कही तो उसने जो पत्र लिखा उस पत्र में उसने ये शर्त मेंशन की थी कि वह उसके मित्रों के विरुद्ध कभी भी कोई सैनिक कार्रवाई नहीं करेगा और अंग्रेज अपने मित्रों के विरुद्ध यदि निजाम उनसे संघर्ष करता है, अर्थात अंग्रेजों के मित्र से भी निजाम संघर्ष में उलझता है तो कोई सैनिक सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। अब ये जो पत्र लिखा गया था उसमें अपने मित्रों की जो लिस्ट तैयार की थी कॉर्नवालिस के द्वारा उसमें शायद जानबूझ करके टीपू सुल्तान का नाम नहीं लिखा गया था। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कॉर्नवालिस अब टीपू सुल्तान से मैत्रीपूर्ण नहीं वरन एक शत्रुतापूर्ण नीति का पालन करना चाहता था और इस तरह से युद्ध के लिए अनुकूल अवसर जो थे उनकी खोज करना कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ हो गया था। इसी समय आप देखिए टीपू भी यद्यपि अंग्रेजों से अपने संबंधों को सुधारना चाहता था, वो युद्ध करना नहीं चाह रहा था, लेकिन कॉर्नवालिस ने जब उसके प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया और उसी के विरुद्ध निजाम को सहायता देना स्वीकार कर लिया तो टीपू भी एक साहसी योद्धा की भांति युद्ध करने के लिए तैयार हुआ और उसकी जो कार्रवाई थी ट्रावनकोर पर आक्रमण जो 1773 ईस्वी में इस पर हैदर अली ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था टीपू के द्वारा,
इस यहाँ पर आप देखिए कालीकट और ट्रावणकोर के बीच कोचिन पर उसका आधिपत्य बढ़ गया था। यहाँ पर एक 40 मील लंबी जो स्थान था, एक लाइन थी, ट्रावणकोर लाइन, वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व की थी और टीपू इसको अपने अधिकार में रखना चाहता था। और यहाँ पर दो महत्वपूर्ण दुर्ग थे, इसको आप नोट करिएगा, क्रांगनूर और आईकोट। क्रांगनूर और आईकोट, इन दोनों दुर्गों को वो नियंत्रित करना चाहता था। और अभी तक ये ट्रावणकोर लाइन तक पहुंचने के महत्वपूर्ण मार्ग भी थे। तो आप देखिए ये दोनों दुर्ग जो थे, क्रांगनूर और आईकोट, ये अभी डचों के नियंत्रण में थे और ट्रावणकोर के शासक द्वारा इन दोनों दुर्गों को डचों के गवर्नर से खरीदा जा चुका था। टीपू इन दोनों दुर्गों को खरीदना चाहता था क्योंकि वो जो 40 मील लंबी ट्रावणकोर लाइन थी, यदि दुर्ग अधिकाधिपत्य में आ जाते या अधिकार में आ जाते तो उस पर अधिकार करना या उसको नियंत्रण में रखना टीपू के लिए आसान हो जाता। तो जब टीपू इन दुर्गों को खरीदना चाहता था और उसको इसके लिए हामी नहीं भरी गई ट्रावणकोर के शासक द्वारा, तो टीपू ने ट्रावणकोर पर 29 दिसंबर 1789 को आक्रमण कर दिया। स्वयं कांड वारिस के द्वारा देखिए 5 दिसंबर 1789 को 1789 को ढूंढास में ये स्टेटमेंट किया गया था, ट्रावणकोर के राजा का बिना ब्रिटिश सरकार की अनुमति के इन दुर्गों को खरीदना अनुचित था। फिर भी आप यहाँ पर आप देखिए कार्नवालिस के द्वारा टीपू की जो ये कार्रवाई थी ट्रावणकोर के विरुद्ध, उसको युद्ध का एक कारण मान लिया और कार्नवालिस ने भी युद्ध की तैयारी शुरू करके टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन इससे पूर्व एक चतुर कूटनीतिज्ञ का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उसने मैसूर राज्य के दो प्रबल शत्रु निजाम और मराठों के साथ संधि कर ली, जिससे युद्ध के मैदान में वो टीपू को कोई सहायता नहीं पहुंचा सके। आप देखिए अब स्थिति ये थी कि हैदर अली का, टीपू सुल्तान का पक्ष जो था वो कमजोर पड़ता जा रहा था, लेकिन कार्नवालिस ने निजाम और मराठों को अपने पक्ष में करके अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी टीपू जो था वो किसी तरह से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपनी सेना को संगठित करा, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करा, अपने दुर्गों की मरम्मत करवाई और नए दुर्गों का निर्माण उसके द्वारा किया गया, ताकि हर परिस्थिति में वह अंग्रेजों को शिकस्त देने की कंडीशन में आ जाए। अब युद्ध का प्रारंभ जो जब टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई, तो स्वाभाविक था कंपनी के लिए ऐसे सेना नायकों का चयन करना जो टीपू के समक्ष किसी भी सूरत में कमजोर ना पड़ सके। तो कार्नवालिस के द्वारा कर्नल मीडोस और जनरल केली, को टीपू के विरुद्ध कंपनी की एक विशाल सेना के साथ भेजा गया। आप देखिए ये लेटर तो चल रहा था, जब जनरल केली 12 मील महल की ओर बढ़ रहा था तभी मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई। अब मीडोज की सहायता के लिए कर्नल मैक्सवेल की नियुक्ति की गई। लेकिन यहाँ निरंतर आप देखिएगा जो मैक्सवेल था और मीडोज था, उसको टीपू के विरुद्ध कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी और निरंतर अंग्रेजी सेनाएं जो है वो कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही थी। परिस्थितियों को तुरंत भागते हुए स्वयं 1791 में कार्नवालिस ने कंपनी की सेना का नेतृत्व संभाला और वह टीपू के विरुद्ध गया। इसी समय जो पूर्व में उसने निजाम और मराठों के साथ संधि की थी उसका लाभ भी उसको प्राप्त हुआ और मार्ग में 10,000 सैनिकों के साथ निजाम भी
कार्नवालिस सेना के साथ आ मिला, जिससे अंग्रेजों की सेना में काफी वृद्धि हो गई। अब यहाँ पे आप देखिए, इस समय कुछ इतिहासकारों का ये मानना है, जिसमें भारतीय इतिहासकार बीडी बसु, उनका ये मानना है कि परिस्थितियों को देखते हुए टीपू जो था, इस समय तक जब स्वयं कार्नवालिस कंपनी की सेना का नेतृत्व संभाल चुका था, टीपू ये चाहता था कि अंग्रेजों के साथ मैसूर राज्य की संधि हो जाए। और टीपू के द्वारा कार्नवालिस के पास अपना दूत भी भेजा गया था, लेकिन इस समय कार्नवालिस जो था वो पूरी तरह से दम्भी हो चुका था और उसने टीपू सुल्तान के इस दूत से भेंट करना भी स्वीकार नहीं किया था। स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति में टीपू जो था उसने युद्ध को जारी रखना उचित समझा और बड़ी कुशलता के साथ उसने अपने युद्ध और अपनी पूरी सेना का संचालन किया। यहाँ शायद टीपू का भाग्य जो है वो उसका साथ दे रहा था और कार्नवालिस का दुर्भाग्य उसके साथ आ पड़ा था। अब यहाँ पर वर्षा की ऋतु जो थी वो प्रारंभ हो चुकी थी और इस वर्षा ऋतु में अंग्रेज सेना के अंदर महामारी फैलने की आशंकाएं उत्पन्न होने लगी थी। अजीब जो स्थिति थी वो कार्नवालिस के सामने उपस्थित हुई और बीमारी के इस भय से कार्नवालिस वापस लौट गया। और अपनी जब ये कार्नवालिस के द्वारा वापसी की गई तो इंग्लैंड में कार्नवालिस की इस असफलता को लेकर उसकी काफी निंदा की जाने लगी। मराठा और निजाम के साथ संधि हो चुकी थी। जब कार्नवालिस की आलोचनाएं होने लगी तो इस आलोचना को उसने या अपने ऊपर लगे इस दाग को धोने के उद्देश्य से पुनः उसने अपने आप को संगठित करा और वह टीपू के विरुद्ध गया। इस बार आप देखिएगा 1791 ईस्वी में धारवार नामक स्थान पर अधिकार किया गया। मराठे भी अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में सम्मिलित हो गए और बंगलोर लौट आने के बाद कार्नवालिस पुनः 12 महल की ओर उसने कूच किया। जब इंग्लैंड से वापस आया तो उसने पुनः युद्ध के लिए सर्वप्रथम 12 महल की ओर प्रस्थान किया। 19 अक्टूबर 1791 ईस्वी को जो नंदी का दुर्ग था उस पर कार्नवालिस ने अधिकार स्थापित कर लिया और वह मैसूर राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ा। इस समय आप देखिए श्रीरंगपट्टनम क्योंकि महत्वपूर्ण था टीपू सुल्तान के लिए भी, तो चारों तरफ से जब श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी कर ली गई तब संधि करने के उद्देश्य से टीपू सुल्तान द्वारा कार्नवालिस के पास अपना दूत भेजा गया। अंत में 23 मार्च 1792 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई। ये संधि जो थी निसंदेह अंग्रेजों के लिए विजय का और मैसूर राज्य या टीपू सुल्तान के लिए बड़ा अपमान का विषय था, क्योंकि इस संधि की शर्तों के तहत टीपू सुल्तान को आधा मैसूर का राज्य जो था वो अंग्रेजों को सौंप देना पड़ा। मालाबार, कुर्ग और 12 महल अंग्रेजों को प्राप्त हुए। साथ ही साथ टीपू को अपने दो पुत्रों को अंग्रेजों के पास जमानत के रूप में रखना पड़ा और क्षतिपूर्ति के रूप में 30,00,000 पौंड अंग्रेजों को देना टीपू के द्वारा स्वीकार किया गया। इस तरह से आप देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष जो था वो इस मैंगलोर की संधि से संपन्न हुआ। ये तीन युद्ध जो हैं वो आंग्ल मैसूर संघर्ष उसको हम कर चुके हैं। अब यदि हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के महत्व की बात देखें तो पूरा महत्व जो है इम्पोर्टेंस जो इसकी वो अंग्रेजों के लिए, क्योंकि काफी बड़ा भूभाग अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था और साथ ही साथ आप देखिए पहली बार दक्षिण भारत में अंग्रेजों द्वारा किसी शक्ति के विरुद्ध जो युद्ध लड़े गए थे तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जब स्वयं कार्नवालिस को या स्वयं गवर्नर को युद्ध का नेतृत्व करना पड़ा था। ये फर्स्ट टाइम अंग्रेजों और भारतीय शक्तियों के बीच जो संघर्ष हुए थे उसमें पहली बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को
करते हैं आज इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष के साथ आपके समक्ष दोबारा उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।